गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी हैंड टूल के ऊपर है। फिटर क्लास 15 में हमने वॉइस के को जाना था और उसके महत्व के बारे में जाना था, और बेंच वॉइस के जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है उसके बारे में जानकारी ली थी। आज की क्लास में हम वॉइस के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में जिससे जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे अलग अलग वॉइसों से, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन हम इस क्लास पे करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो, और कमेंट करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही और स्टूडेंट को लाभ होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियो की जानकारी होगी, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो और नए जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, हैंड टूल वॉइस के प्रकार। चलिए वॉइस देखिए, यहाँ पे 10 प्रकार की वॉइस दी हैं, जिसमें से पहली वॉइस है क्विक रिलीजिंग वॉइस, मतलब जो शीघ्रता से खुलती है और हम उसको जल्दी से बंद कर सकते, मतलब जॉब को जल्दी से पकड़ना है या छोड़ना है तो हम क्विक रिलीजिंग वॉइस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक पुश बटन टाइप का लगा रहता है, डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना, बटरेस थ्रेड कटे होते हैं इसके स्पिंडल पर और हाफ नट लीवर लगा होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बटरेस थ्रेड कटा होता है और हाफ नट लीवर लगा होता है। क्विक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉब, जल्दी से अगर जॉब को बांधना है और खोलना है तो हम इस तरह की वॉइस, क्विक रिलीजिंग वॉइस का उपयोग करते हैं। अगली वॉइस है टूल मेकर वॉइस। टूल मेकर वॉइस में ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है ना, प्लेन जॉ लगे रहते हैं। होल्डिंग स्मॉल वर्क, ड्रिलिंग, फिलिंग, फाइलिंग, देखिए छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, छोटे काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है छोटे। ठीक है ना, टूल मेकर वॉइस का, छोटे छोटे टूलों के लिए। ठीक है, हैंड वॉइस, हैंड वॉइस को हम दस्ती वॉइस के नाम से भी जानते हैं। एक छोटी सी वॉइस होती है, इससे भी छोटे का इसका उपयोग भी छोटे कार्य के लिए किया जाता है। इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम हैंड वॉइस है। हिंदी में इसको हम दस्ती वॉइस कहते हैं। मेड ऑफ माइल्ड स्टील, किससे बनी होती है, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की। इसकी जो साइज होती है वो 125 mm से 150 mm होती है। ग्रिपिंग ऑफ स्क्रू, रिवेट की, स्मॉल ड्रिल्स, किसको किसको पकड़ते हैं, छोटे छोटे स्क्रू को पकड़ सकते हैं, रिवेट को पकड़ सकते हैं, कीज को पकड़ा जा सकता है, छोटे छोटे ड्रिल करना है तो उसको पकड़ के हम हैंड वॉइस के माध्यम से कर सकते हैं। स्वेल वॉइस, स्वेल वेस वॉइस का मतलब ही क्या है, जो घूम सके किसी भी एंगल पर, है ना। तो स्वेल वॉइस में ये जो वॉइस होती है ये सिर्फ हॉरिजेंटल के लिए होती है, क्षैतिज की स्थिति के लिए, कि हम किसी भी एंगल पे वॉइस को घुमाकर काम कर सकते हैं सरलतापूर्वक। सेट एनी एंगल विथ हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड डिस्क, जिस पे अंकित होता है, एंगल अंकित होता है, ग्रेजुएटेड मतलब अंकन होता है उस पे। इसका अंकन होता है एंगल का, कोण का अंकन होता है कि कितने डिग्री पे हम उसको घुमा रहे हैं। इन द हॉरिजेंटल प्लेन, किस प्लेन में, क्षैतिज प्लेन में। फिर है यूनिवर्सल वॉइस। यूनिवर्सल वॉइस क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल वॉइस को हम क्षैतिज भी घुमा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी घुमा सकते हैं। टूल रूम में इसका ज़्यादा उपयोग होता है स्टूडेंट। ये देखिए ग्रेजुएटेड डिस्क इस पर भी लगी होती है, किसी भी एंगल पे इसको घुमाया जा सकता है। फिर है मशीन वॉइस। मशीन वॉइस का ज़्यादातर उपयोग मशीनों में ही किया जाता है, इसलिए उसका नाम मशीन वॉइस पड़ा हुआ है। कई प्रकार की संक्रियाएं, ड्रिलिंग, रिमिंग वगैरह की जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा है फिक्स्ड प्लेन वॉइस। ये बड़े कार्यों, भारी कार्यों के लिए, बड़ी मशीनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए फिक्स्ड रहती है, बजनी रहती है ये काफ़ी। इन अ हैवी ड्यूटी वर्क, वेरी रिजिड, बहुत ही रिजिड होती है। यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन जहाँ होता है वहाँ पे हम फिक्स्ड प्लेन वॉइस का उपयोग करते हैं स्टूडेंट।
फिर इसके बाद आती है पाइप वाइस। पाइप वाइस नाम से ही आपको पता चल रहा है, पाइप के लिए, गोल जॉब के लिए, सर्कुलर जॉब के लिए, है ना। किसका वो किस वाइस का उपयोग करते हैं, पाइप वाइस के लिए। कहाँ की ओर इसका जॉ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब हम घुमाएंगे इस वाइस को, इसके हैंडल को, तो जो जॉ जाएगा वो ऊपर की जाएगा, वी शेप में होता है, जिसपे हम क्या कहते हैं गोल जॉब को फंसा सकते हैं, पाइप को फंसा सकते हैं। लिखा हुआ है इट्स जॉ मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन होल्डिंग राउंडिंग सेक्शन एंड मेटल पाइप ट्यूब्स। मेटल जो भी गोल मेटल है, पाइप है, ट्यूब है, उसको होल्ड करने के लिए इसका उपयोग होता है। पिन वाइस, पिन वाइस जनरली कहाँ यूज होती है, पिन वाइस का उपयोग सबसे ज़्यादा वॉच मेकर द्वारा होता है। वॉच मेकर क्या होती है, घड़ी छोटी छोटी होती हैं, उसके पास छोटे छोटे होते हैं, इसलिए पिन वाइस का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे कॉलेट चेक इस पे लगा होता है, इस पिन वाइस में उसको ग्रिप करने के लिए, ठीक है ना। होल्डिंग स्मॉल डायमीटर जॉब, जो छोटे डायमीटर के जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का उपयोग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। लेग वाइस, लेग वाइस हैवी ड्यूटी कार्य, हैवी भारी कार्य है, वजनी कार्य है, जैसे ब्लैक स्मिथ का काम है, ठोकने पीटने का काम है मजबूती से के साथ, तो एक उसमें क्या होता है, एक लेग गड़ा रहता है जमीन में, ठीक है ना, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक लंबा लेग रहता है उस पर। लेग वाइस पे माइल्ड स्टील बॉडी होती है, वन लेग इज डिग विथ हर्ट, है ना। हैवी वर्क ब्लैक स्मिथ काम में इसका उपयोग होता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, जरूर कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। अगली क्लास में हैंड टूल की हम फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।